21 फरवरी को 1,40,000 रुपए की लूट होती है और ये जो दंपति आप देख रहे हैं गांव चोचड़ा से हैं और बैठे निराश होकर के, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। एक जो गरीब का आसरा, जी हाँ, उसकी जो आय है वो निकल गई अपने हाथों से। और जानना चाहेंगे कितने जो राउंड है वो पुलिस स्टेशन के लगा चुके हैं और क्या आश्वासन जो है पुलिस के द्वारा दिया गया है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कब कब की बात है, वो कब लूट हुई थी, क्या क्या बात है? 21 तारीख की है सर, से कुछ हो जी। देखिए आंखों में आंसू है क्योंकि 1,40,000 रुपए एक आम व्यक्ति के, एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत होते हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और अभी तक केस कहां तक गया है ये नहीं पता, लेकिन व्यक्ति की सारी आस जो टूट गई है। बहन जी से बात करेंगे। जी बहन जी। जी सर, सर ये बात 21 तारीख की है जी। तो 21 तारीख ना हमने बैंक से पैसे निकलवाए जी, वो जो मतलब हमसे जो बैग छीना उन्होंने वो उसी टाइम वहीं पे था जी, जी। हाँ जी, तो उन्होंने देखा जी भाई इतने पैसे निकलवाए हैं इन्होंने और बैग में डाले हैं, तो वे उसी टाइम से मतलब पीछा लगे जी मारे। अब मैंने कोई शक नहीं जी उस टाइम उन पर जी, भाई मैं तो यही सोच रही थी भाई आम बाड़ा का, और मतलब मैंने उनके उसमें मतलब कोई भी मेरे दिमाग में ये ऐसी शंका नहीं आई जी भाई ये ऐसा काम ये ऐसे बच्चे कर सके, क्योंकि मन के पता जी भाई ये मतलब ऐसे चोर होते हैं, ऐसे बच्चे आम बच्चे हैं जी। तो सर जब उन्होंने मारे पता रत तक मोड़ पता जी बैग छीना जी, तभी मैंने जाके दिमाग घुमाया जी भी ये बच्चे तो 3-4 बार हमारे सामने आए थे हाँ जी, तो तभी मैंने दिमाग लगाया जी भाई ये बच्चे तो चोरी के वास्ते ही पैसा छीनने के वास्ते ही गेड़े काट रहे थे जी। उससे पहले मैंने जी कोई शक नहीं होया जी उन पर, शक नहीं हुआ हाँ जी। बैग छीन लेने के बाद ही ओरिएंटल बैंक में भी गए थे आप लोग? हाँ जी, वहाँ भी गए थे जी, तो उन्होंने मना कर दिया भाई 3 बजे के बाद ही आइयो तभी कैश मिलेगा। अच्छा। तो फिर हम अटका पीएन बैंक में गए जी, उन्होंने बोले वे बोले कि भाई बैठ जा 5 मिनट के लिए, अगर जो कैश मिलता है कोई जमा करवाता है तो हम दे देंगे। तो हम बैठ गए जी, तो 2 मिनट भी नहीं हुई थी जी हमने, तभी जो बैंक से पैसा निकालते हैं वो बोले कि भाई आ जा पैसे ले जा। तो सर उन्होंने बोले, इसने पूछा भाई मना 1,40,000 चाहिए जी, वे बोले हाँ 1,40,000 रुपए हो गए तेरे और ले जा। तो उस समय सर वो लड़का वहीं पे खड़ा था जी, हमने कैमरे में बाद में चेक करवाया जी, चेहरा साफ नहीं आया, चेहरा साफ नहीं आ रहा जी उसका, मास्क लगा रहा जी हाँ जी। तो उन्होंने मैं बैग में डालती हुई देखी जी पैसा, तो तभी मतलब जांच में फिरने लगे जी मारे आगे पीछे में, हमने उससे पहले कोई शक नहीं होया जी सर जी। वहाँ से फिर कूलर लेने के लिए गए? हाँ कूलर लेने के लिए गए जी, तो एक बच्चा जो उसके साथ था बैंक में जो मारे पीछा कर रहा था, एक लड़का उन्होंने मारी मतलब बाइक के पास में खड़ा कर दिया भाई तभी आऊंगे तभी मतलब मेरे को बुला लेना मैं इनकी जांच में रहूंगा। तो सर उन्होंने हम बाइक के पास में आए जी अपना सामान साग सब्जी खर्चा घर का लेकर जी, तो उस लड़के ने जरूर जी मैंने ऐसी शंका मेरे मन में जी कि उसने फोन करके जरूर बुलाया होगा दूसरा लड़का जो बैंक में था हमारी जांच में था भाई आ गए ये और अपना ओले तैयार। मोटरसाइकिल का अंदाजा लगाया कहां से पीछे लगी थी? मोटरसाइकिल का अंदाजा जी हमने तो मतलब जी हम चल पड़े जी, और वो रस्ते में उन्होंने बाइक रोकी भी थी, बीच में भी उन्होंने मतलब कोशिश पूरी करी जी खोसने की, तब आगे पीछे हमारी मतलब वो चल रही थी ट्रैफिक, उनका मौका नहीं लगा जी उस टाइम, तो उन्होंने तो वो मौका देखा जी भाई फलाने साइड में कोई भी नहीं है, हाँ कोई भी नहीं है रास्ता है हाँ जी, उस टाइम मतलब उन्होंने मार पता बैग खोसा जी, उस टाइम कोई भी नहीं था जी हमारे आसपास में, तो वे तो बैग छीनने। पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को यही कहना चाहूंगा जी भाई हमारी मतलब हम तो गरीब आदमी है जी, हम कुछ कर नहीं सकते जी, और गेड़े पे गेड़े लग रहे जी उसी दिन के कटन जी, हम पुलिस कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं और इससे बड़ा तो कुछ अभी तक उन्होंने। 21 फरवरी की वारदात है और 1,40,000 रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत हो जाते हैं, व्यक्ति निराश है, बार बार जो है आंखों में आंसू है,
कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि आस टूटी हुई है, पुलिस प्रशासन के चक्कर पर चक्कर लगा चुके हैं और कुछ गांव में भी कोई बातचीत हुई है, कोई गांव में लोग इकट्ठा हुए हैं इसको लेकर के। गांव में गांव वाले कहते हैं कि हम चलेंगे गाड़ी भरकर ले चल, गाड़ी करके गांव वाले सारे चलेंगे, बड़े बड़े जिनकी मतलब जान पहचान भी है वो भी बोल रहे हैं भाई हम जाम भी लावेंगे, हम थारी सहायता भी करेंगे भाई, गिल्ला भी लागेंगे थारे। पर सर हम क्या कर रहे, मान लिया हम साधन करके उन्होंने बिठा कर ले गए तो हमने उनका भी तो देना जी साधन का भी, हम कहाँ से दे जी, हमारे पास तो यही पैसा था, हम तो बल्कि घर से भी। गरीब आदमी के लिए मुश्किलें बहुत हैं और लोगों को लाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, दबाव डालने के लिए। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा या नहीं करा ये तो नहीं पता, लेकिन इन दंपतियों की जो है आस टूट चुकी है क्योंकि समय बहुत हो चुका है। चोर गिरफ्त में, चोर कहें या लुटेरे कहें, गिरफ्त में नहीं आए। कितने बच्चे यहाँ पे? मेरे पास दो लड़कियाँ हैं जी, एक लड़का जी, घर की मतलब घर वास्ता में बनाने वास्ता हमने पैसा निकलवाया था जी, ना तो मेरे घर में लैटरिंग है जी, ना बाथरूम है जी, वहीं तो मैं रोटी बनाऊं जी, वहीं मेरी लड़की पर्दा सा डाक है जी, कपड़ा डाक है नावा जी, कई बार तो मेरी बच्चियां मेरी लड़कियां जी बिना नहाए जावा जी, भाई मम्मी मैं आम किस तरह नावा जी, तो मैं बोलती हूँ बेटा मैं मुंह फेर लू, मैं भी रोटी बनानी मैंने थारे वास्ता, तो अपना मैं मुंह फेर कर बना ली रोटी, तुम नहा लो बेटा, कई बार मैं ऐसे ही चली जावा जी बिना नहाए। देखिए दुख की बातें, घर में बाथरूम लैट्रिन बनवाने के लिए ले जाना था ये पैसा और आस थी कि जाकर के अपने बच्चों के लिए बाथरूम लैट्रिन बनवाएंगे, बेटियां बड़ी हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी जो कार्रवाई है वो कितनी चल रही है, ढीली ही उसको कार्रवाई को कहेंगे अभी तक, क्योंकि यदि सतर्क होते तो शायद उनको पकड़ा जाता। कोशिश की जा रही है, SHO साहब से भी बात करेंगे कि क्या रहने वाला है और किस सतर्कता पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अभी तक जो पैसा है वो चाहे वो चोर हैं डकैत हैं उन्होंने पैसा भी कहीं ना कहीं इधर उधर कर दिया होगा। तो मेरा विनम्र निवेदन साथियों कि इनकी हेल्प भी आप अपने तौर पर आप निजी तौर पर करें और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह कि वो जो है सतर्कता से कार्रवाई करें। बने रहें, जुड़े रहें, तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें।